इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। यदि दोस्तों आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है एंड दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं एंड दोस्तों जो ये प्रॉब्लम है बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम है यार, मैंने 7 से 8 घंटे काम किया था इस पर तब जाकर के मुझे इस समस्या का सलूशन मिला था। तो दोस्तों मुझे लगा यार कि इस प्रॉब्लम का सॉल्व यानी कि सलूशन अपने दोस्तों को बताना चाहिए ताकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनको परेशान ना होना पड़े कभी भी। ओके, तो ये समस्याएं आपको किस वजह से देखने को मिलती हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सब कुछ बताऊंगा वीडियो में डिटेल से, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आपकी जो ये समस्या है, जो ये प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो पाएगी। एंड दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि जब मैं इस तरह के लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो गारंटी से काम करेगी, 100% काम करेगी। ओके, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना, कि इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो ये आपकी प्रॉब्लम है इसी वीडियो में सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपकी इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ इससे पहले आप थोड़ा सा व्यस्त भाई का वीडियो देख लें, क्योंकि दोस्तों उन्हें भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, तो उन्होंने भी कुछ ट्रिक्स बताई हुई हैं, तो शायद आपकी समस्या उनकी ट्रिक में सॉल्व हो जाए। ओके, एंड दोस्तों यदि उनकी ट्रिक में आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में मैं भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आपके पास किस सूरत में आती है, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटर कोड, यहाँ पर आपने कौन सा कोड इंटर करना है, तो आपको पता है कि आपने कोड कहाँ से लेना है। अब वो कोड आप लेते हैं और यहाँ पर जब आप इंटर करते हैं तो आपके पास आ जाता है रॉन्ग कोड। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम है, ये वीडियो में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको किस तरह से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपके पास आती क्यों है। देखो यहाँ पर जब आप अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पर साइन इन होते हैं, जब अपने जीमेल अकाउंट इंटर करते हैं और पासवर्ड इंटर करते हैं, तो उसके बाद आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब ये प्रॉब्लम आपको अलग अलग सूरत में देखने को मिल सकती है, जैसे मैं यहाँ पर अपने इस जीमेल अकाउंट के अंदर अपना रिकवरी फोन नंबर ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। काफी ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम किसी और सूरत में भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी आप अगर मतलब अपने जीमेल वगैरह में अपना पासवर्ड फॉरगेट कर रहे हैं या मतलब कुछ भी इस तरह से आपके पास ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। देखो यहाँ पर मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि अगर आपको नहीं पता कि कोड कहाँ से लेना है, आपको मैं बताता हूँ कि आपने कोड कहाँ से लेना है, और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए सबसे पहले हमें बोल रहा है गेट यूअर रेडमी नोट 8, मतलब अपने रेडमी जो भी आपका मोबाइल फोन होगा वहाँ पर ये उसके बारे में आपको बताएगा। एंड यहाँ पर ये आपको बोल रहा है ओपन द सेटिंग ऐप, यानी रेडमी नोट 8 में जो सेटिंग ऐप है उसको ओपन करो, टैप गूगल, मतलब गूगल के ऊपर टैप करो, चूज यूअर अकाउंट इफ इट नॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड, मतलब वो अकाउंट सेलेक्ट करो जो मतलब ऑलरेडी आपके यहाँ पर फोन के अंदर सेलेक्ट ना हुआ हो। टैप मैनेजर यूअर गूगल अकाउंट, मतलब टैप करो मैनेजर यूअर गूगल अकाउंट के ऊपर, सेलेक्ट द सिक्योरिटी टैब, यू मे नीड टू स्क्रॉल टू द राइट, ये यहाँ पर आपको बोल रहे सिक्योरिटी टैब को सेलेक्ट करो। उसके बाद आया आपको यहाँ पर कह रहे अंडर साइन इन इन टू गूगल टैप सिक्योरिटी कोड, तो वहाँ पर मैं आपको चल के बताऊंगा कि सिक्योरिटी कोड ये मतलब आपको यही कह रहा है कि आपने मतलब इस तरह से लेना है, चूज एन अकाउंट टू गेट यूअर कोड, तो अपना अकाउंट चूज करो और मतलब अपना कोड पाओ, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से आपको कह रहा है। अब हम चलते हैं कि ये कोड आपने लेना कहाँ से। देखिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर इसने हमें कहा था कि पहले सेटिंग को ओपन करना है, एंड सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने गूगल के ऊपर टैप करना है। गूगल के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आपने मैनेज यूअर गूगल अकाउंट के ऊपर टैप करना, मैनेज यूअर गूगल अकाउंट के बाद इस तरह से आपने यहाँ पर आ जाना है सिक्योरिटी के अंदर। यहाँ पर मैं सिक्योरिटी में आ जाता हूँ। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल करने का कहा था तो हमने स्क्रॉल किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कोड। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोड हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर ये कोड आप वहाँ पर इंटर करते हैं आपका काम हो जाता है तो ज़्यादा ही बेहतर है, और अगर आपके पास ये मतलब कोड आप यहाँ से देखते हैं और वहाँ पर जाकर इंटर करते हैं तो वो जो रॉन्ग कोड आता है वो एक मतलब आपके पास इसीलिए आता है कि हाँ ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर की साइड गूगल प्ले सर्विस, इसके नीचे आपके पास जो जीमेल है। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर जीमेल में जाकर
यहाँ पर जीमेल में। अब यहाँ पर देख सकते हैं awaysanfi027gmail.com, इस जीमेल के ऊपर मुझे ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पर अगर यहाँ पर मैं आपको कोड में लेके आता हूँ, अब यहाँ पर ये जो देखे मुझे कोड देखने को मिल रहा है। अब ये आपने देखना है कि ये किस वाले जीमेल के हैं। अब ये ऊपर देख सकते हैं, मैंने आपको अभी अपना जीमेल बताया, ऊपर आप देख सकते हैं कि जीमेल कोई और है। अब ये इस जीमेल के कोड हैं। अब यहाँ पर ये जो कोड है, जाकर मैं उस जीमेल के अंदर इंटर करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये मेरा जीमेल अलग है और यहाँ पर ये जो कोड है ये मतलब अलग जीमेल के हैं। तो इसी वजह से जब आप यहाँ से कोड उठाते हैं, वहाँ पर इंटर करते हैं, तो आपको बोलते हैं रॉन्ग कोड। तो आपने करना है क्या है, यहाँ पर आपके पास एरो का एक छोटा सा बटन देखने को मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने वो वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिस अकाउंट पर प्रॉब्लम है। तो चलिए यहाँ से मैं देख सकते हैं awaysanfi027gmail.com, यहाँ पे मैं ये करूंगा। अब ये देख सकते हैं मेरे पास कोड यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो कोड है ये आपने वहां पर जाकर इंटर करना है। अब यहाँ पर मेरे पास जिस जीमेल में प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास याद रहे यहाँ पर वो वाले जीमेल सेलेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई और जीमेल है तो आप यहाँ से कोड लेंगे, वहां पर इंटर करेंगे तो आपके पास रॉन्ग कोड ही आएगा। भाई मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आपने यहाँ पर वही वाले जीमेल सेलेक्ट करना है जिस भी जीमेल में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई और जीमेल है तो आपने इस तरह से यहां पर क्लिक करना है और वही वाले जीमेल सेलेक्ट कर देना है। ओके, अब यहां पर अगर आपके पास यही वाले जीमेल है जिस भी जीमेल के ऊपर प्रॉब्लम है और फिर भी आप यहां से कोड यहां पर लेते हैं, लेने के बाद आप वहां पर जाकर इंटर करते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जैसे आप बैक करेंगे तो आपके ये कोड चेंज हो जाएंगे, आपको ये कोड देखने को मिल जाए। तो आपने करना क्या है, आपने इस कोड को अपने पास किसी भी एक मतलब कॉपी वगैरह पे लिख लेना है एंड इस तरह से आपने बैक करना है। यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपने बैक करना है, डायरेक्ट यहां पर जाने और यहां पर वो कोड इंटर कर देना है। अब यहां पर अगर आपने वहां पर जीमेल भी सही सेलेक्ट किया, आपके वो जो कोड है वो तमाम आप मतलब सही तरीके से आप लाकर यहां पर ऐड कर लेते हैं, फिर भी आपके पास रॉन्ग कोड आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है। अब मैंने आपको बता दिया कि कोड आपने किस तरह लेना है। आपके पास रॉन्ग कोड दो सूरत में आ सकते हैं, कि यहां पर मैंने आपको बताया आपका यहां पर जो जीमेल है वो अगर मतलब कोई और सेलेक्ट हुआ है तो आपके पास यहां पर जो कोड है आप लाकर यहां पर इंटर करोगे तो आपके पास रॉन्ग कोड आएगा। पर अगर आपके पास जीमेल भी वहां पर सही सेलेक्ट हुआ है, आप फिर भी मतलब वहां से कोड लेते हैं और यहां पर इंटर करते हैं, तो ऐसे में भी आपके पास रॉन्ग कोड आ रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने फिर कहां से कोड लेना है, किस तरह से सही कोड लेना है। तो यहां पर इसका एक मतलब सिंपल से आसान सा जवाब है, बिल्कुल आपके पास यार मैं आपको बता दूं, अगर ये प्रॉब्लम आती भी है तो आपने मतलब यहां पर कोई कोड इंटर नहीं करना। मेरी जो आपको मतलब राय है, मैं आपको जो मतलब मेरे पास ये जो प्रॉब्लम आई है मैंने इसको किस तरह से सोल्व किया है अब मैं आपको वो बताता हूं। आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर चले मैं आपको बता देता हूँ, आपने यहाँ पर बिल्कुल मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे आ जाना है, यहाँ पर आपने सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ पर आपके पास जो अकाउंट होता है मतलब आपके सेटिंग में आप आएंगे तो आपके पास एक अकाउंट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपने करना क्या है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने गूगल, यहाँ पर देख सकते हैं आपने गूगल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके वो तमाम मतलब जीमेल अकाउंट आ जाएंगे जो भी आपके मोबाइल फोन के अंदर इस टाइम साइन इन है। तो आपने करना क्या है, आप जिस भी जीमेल के अंदर आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आ रही है आपने उस वाले जीमेल को इस तरह से यहाँ से रिमूव कर देना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से यहाँ से मतलब आपके पास ऊपर की साइड भी 3 डॉट्स आ सकते हैं। आप यहाँ से जैसे वो वाले जीमेल उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास वो वाले जीमेल ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ ऊपर की साइड भी आपके पास 3 डॉट्स आ सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास नीचे की साइड पे आ रहे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास रिमूव अकाउंट आ जाएगा, यानी अगर आपने रॉन्ग कोड वाला प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो आपने इस वाले जीमेल को अपने अकाउंट मतलब मोबाइल फोन से बिल्कुल खत्म करना होगा, रिमूव करना होगा, डिलीट नहीं कर देना। भाई यहां पर मैं डिलीट का नहीं बोल रहा हूं, आपने बस अपने मोबाइल से उस जीमेल को हटाना है, बिल्कुल मतलब जड़ से उसको खत्म करना है कि आपके मोबाइल फोन में वो कहीं पर भी साइन इन ना हो। तो यहां से मैं इसको रिमूव अकाउंट कर देता हूं। चलिए यहां से मैं इसको रिमूव अकाउंट कर देता हूं। अब ये वाला जो जीमेल है यहां पर मेरे पास हट चुका है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब हटने के बाद आपने करना क्या है, आपने यहां पर अपने जीमेल के ऐप को ओपन कर लेना है। चलिए मैं यहां पर जीमेल की ऐप को ओपन करता हूं और यहाँ से मैं बैक आता हूँ, जीमेल था वो यहाँ से हट चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने मतलब जीमेल की ऐप के अंदर आने के बाद यहाँ से ऐड एनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड एनदर अकाउंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने गूगल के ऊपर क्लिक करना है। गूगल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास मेरे पास यहाँ पर पासवर्ड लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से इंटर कर लेता हूँ। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे कोई भी पासवर्ड लगा हुआ है तो ये आपको यहाँ पर वही मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड मांगेगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ये एक अलग सी मुसीबत है। तो नेक्स्ट करने के बाद
आपके पास एकदम से इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, वही जिस जीमेल के अंदर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है, आपने वहाँ यहाँ पर वही वाला जीमेल इंटर कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ, अवेश हन्फी 0027। ये देख सकते हैं ये वाले जीमेल, इसमें मेरे पास प्रॉब्लम आ रहा है, आपने ये वाला इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपने इंटर, यहाँ पर देख सकते हैं इंटर यूअर पासवर्ड, आपने यहाँ पर इंटर यूअर पासवर्ड नहीं करना, आपने यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इंटर लास्ट पासवर्ड, मतलब आप अगर पासवर्ड को फॉरगेट करते हैं तो लाजमी सी बात है अगर आपने अपने पासवर्ड को चेंज करना है, आपको याद नहीं। अब यहाँ पर तो आपको इस जीमेल का पासवर्ड याद ही होगा, पर यहाँ पर आपने पासवर्ड को फॉरगेट करना है तो आपने यहाँ पर कोई भी एक XYZ इंटर लास्ट पासवर्ड के अंदर कोई भी एक पासवर्ड इंटर कर देना। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो रॉन्ग कोड वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका सिर्फ पासवर्ड फॉरगेट करने से ही सॉल्व होगा, इसके अलावा कोई भी उसका कोई सलूशन नहीं है। अगर आपके पास रॉन्ग कोड आ रहा है तो आप अपने उस जीमेल का पासवर्ड चेंज करेंगे यानी फॉरगेट करेंगे तो तभी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो मैं इस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, इसीलिए मैं अपना पासवर्ड दोबारा फॉरगेट नहीं करूंगा। आपने इंटर लास्ट पासवर्ड के अंदर कोई भी एक पासवर्ड एंटर कर लेने, तो उसके बाद आपके पास न्यू पासवर्ड आएगा, आप वहां पर न्यू पासवर्ड देकर नेक्स्ट करेंगे तो आपका वो मतलब उस जीमेल का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और चेंज होने के बाद आप जो भी काम कर रहे थे, मतलब जिस भी सूरत में आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, आप वहां पर अगर दोबारा अपना जीमेल अकाउंट वहां पर साइन इन करेंगे, यहां पर वो जो प्रॉब्लम आपके पास आ रही थी वो फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों यदि आप ओवैस भाई के वीडियो को देख करके यदि आप अभी संतुष्ट नहीं है एंड फ्रेंड्स अभी आपका जो क्वेश्चन है या फिर जो आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो पा रही है, फ्रेंड्स अब मैं अपना तरीका बताने वाला हूं। ओके दोस्तों, मेरा तरीका ये है कि आपको अपने जीमेल अकाउंट को अब अपने डिवाइस पर या अपने फोन पर या फिर अपने लैपटॉप पर लॉग इन नहीं करना है, ओके साइन इन नहीं करना है। तो फ्रेंड्स अब आपको करना क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो आपका जो कि आपकी ईमेल अकाउंट है फिर जीमेल अकाउंट है, तो दोस्तों आपको उसे अपने फ़ोन से, अपने डिवाइस से, अपने लैपटॉप से, अपने पीसी से सब कुछ डिलीट कर देना है। एंड दोस्तों उसके बाद फिर आपको कोई नया डिवाइस लेना है। दोस्तों आप अपने घर का किसी का भी नया डिवाइस ले सकते हैं। दोस्तों यदि आपके घर में कोई डिवाइस नहीं है बड़ा जो कि जिसमें कि आपका जीमेल अकाउंट खुल सके या ओपन हो सके, तो फ्रेंड्स आपको किसी दोस्त की हेल्प लेनी है, क्योंकि दोस्तों यार बिना एंड्रॉयड फ़ोन के फिर बिना लैपटॉप या पीसी के तो आप अपने जीमेल या ईमेल अकाउंट पर लॉगिन नहीं कर सकते पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने अपने जीमेल अकाउंट पर या ईमेल अकाउंट पर टू स्टेप वेरिफिकेशन वाली सेटिंग ऑन रखी है या ऑन कर रखी है, तो फ्रेंड्स आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन करके ही अपने ईमेल अकाउंट पर लॉगिन करना पड़ेगा दूसरे के डिवाइस पर। यदि आपसे टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद दूसरे के फ़ोन पर या किसी नए डिवाइस पर लॉगिन करना नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो फ्रेंड्स उसका भी वीडियो मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, तो आप लोग सीख सकते हैं एंड आप लोगों को हेल्प मिल सकती है उस वीडियो से, ठीक है ना। और दोस्तों यदि आपसे टू स्टेप वेरिफिकेशन करने के बाद दूसरे या नए डिवाइस में लॉगिन करना आता है तो आपको दूसरे के फ़ोन पर लॉगिन करना है या इंटर करना है अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करना है, ठीक है ना। फिर दोस्तों ओपन करने के बाद सेम प्रोसेस करनी है जो कि आप अपने डिवाइस पर कर रहे थे, पासवर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहे थे या फिर गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र से लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, ओके। दोस्तों जो प्रॉब्लम आपको आ रही थी वही प्रॉब्लम अब दूसरे डिवाइस में भी आएगी। अब दोस्तों करना क्या है, आपको सेम प्रोसेस करते चला जाना है। अब दोस्तों होगा क्या कि जो सिक्योरिटी कोड होता है तो उस सिक्योरिटी कोड को आपके अपने दोस्त के फ़ोन पर भी डालना है अपने जीमेल अकाउंट से देख करके, जो कि आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक है ना। तो वहीं पर जब आप अपना जीमेल अकाउंट उस पर खोल लेंगे तो दोस्तों वहीं पर आपको सिक्योरिटी कोड मिल जाएगा। तो यदि आपको लेटर्स भूल जाते हैं उसके, ठीक है ना, तो आपको दोबारा उसे नहीं खोलना है, एक बार देखेंगे और उसे स्क्रीनशॉट करके गैलरी पर रख लेंगे। एंड दोस्तों गैलरी पर रखने के बाद आपको जितनी बार भी भूलता है आपको गैलरी पर आकर के फिर एक एक अंक डालना है सही से, ठीक है ना। तो दोस्तों जो दो सिक्योरिटी कोड होते हैं तो आपको पहला सिक्योरिटी कोड डालना है, एंड दोस्तों यदि पहले सिक्योरिटी कोड से आपका काम नहीं होता तो आपको दूसरा सिक्योरिटी कोड डालना है, ठीक है ना। फिर दोस्तों अब आपके जो है इस प्रोसेस से जो आपकी प्रॉब्लम है कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ यही हुआ है। मुझे जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो दोस्तों आपको अपने दोस्त के मोबाइल से उस जीमेल अकाउंट को हटा देंगे, ठीक है ना। तो अपने दोस्त के मोबाइल से जीमेल अकाउंट हटाने के बाद ही अब आपका जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप अपने डिवाइस पर जब लॉगिन करेंगे या पासवर्ड चेंज करेंगे, कुछ भी दोस्तों नई सेटिंग ऑन करेंगे, तो दोस्तों अब आप आसानी से कर पाएंगे। अब आपको सिक्योरिटी कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिक्योरिटी कोड आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ओके।
तो फ्रेंड्स यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिन्हें ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। एंड दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि जब मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।